बस्मिलीम जी लेक्चर नंबर थर्टी टू की प्रिपरेशन करेंगे कोर्स हमारा सी एस सिक्स वन जीरो है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छी से कर रहे होंगे एक्चुअली मैं माजर चाहती हूँ बिकॉज़ मेरे लैपटॉप में कुछ एरर्स हैं जिसकी वजह से जो मैंने लेक्चर वहाँ पर प्रिपेयर किए थे पी पी टी फाइल्स में वो अपलोड नहीं कर पा रही इसलिए मैं बुक से आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने फ्रेगमेंटेशन देखना है कि वो क्या होता है तो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली जो है फ्रेगमेंट यानी अलग अलग पार्ट्स के फॉर्म में अगर जब आप डाटाग्राम्स को स्टोर कराते हैं तो वो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसके बाद फ्रेगमेंटेशन एंड पाथ एम की बात करें तो इसमें आई पी वी सिक्स सोर्स जो होता है वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेगमेंटेशन वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेगमेंटेशन का तो इसमें आप आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि इंटरमीडिएट राउटर्स के लिए मैटर नहीं करते नो इंटरमीडिएट राउटर कि आई पी वी सिक्स इंटरमीडिएट राउट नहीं होता जबकि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेगमेंटेशन का राउटर क्या होते हैं सिंपली ड्रॉप डाटाग्राम्स लार्जर देन नेटवर्क एम टी यू उन्होंने कहा है कि राउटर जो होते हैं वो सिंपली हमारे डाटा को ड्रॉप करते हैं लार्जर देन एम टी यू नेटवर्क एम टी यू क्या है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट सोर्स मस्ट फ्रेगमेंट डाटाग्राम्स टू रीच डेस्टिनेशन ये जो सोर्स होते हैं ये डाटाग्राम को फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं ठीक है जी कब पहुंचाते हैं सबसे पहले वो ये डिटरमाइन करते हैं कि पाथ है या नहीं सोर्स सबसे पहले वो देखते हैं कि एम यू पाथ है या नहीं अगर होता है तो फिर उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं उसके बाद आ, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है ठीक है जी नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है उसमें आपने यूज़ ऑफ मल्टीपल हेडर्स पढ़ने हैं कि हेडर्स के क्या क्या यूज़ होते हैं सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब भी किसी चीज़ के एडवांटेजेस आपने लिखनी हो तो उसमें ये चीज़ें मस्ट आती हैं एफिशिएंसी फ्लेक्सिबिलिटी रिलायबिलिटी तो इसमें भी अगर आपको कुछ नहीं आता किसी चीज़ के एडवांटेज लिखते हुए तो आपने इतना तो ज़रूर लिखना है एफिशिएंसी का हेडिंग दे दें फ्लैक्सीबिलिटी का दे दें रिलायबिलिटी का दे दें तो ये देने के बाद अंदर आपने जो लिखना होता है वो उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली लिखना होता है आपको मार्क्स मिल जाते हैं दूसरी बात यह कि अगर मल्टीपल हेडर्स के अकॉर्डिंगली इसके एडवांटेजेस या इसके यूजेस की बात की जाए तो एफिशिएंसी में क्या होता है हेडर इज़ ओनली एज लार्जर नेसेसरी कि जितना आपको चाहिए उतना आप जो हेडर इंक्रीज कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इट कैन ऐड न्यू फ़ीचर्स हेडर्स फॉर न्यू इन फीचर जितने न्यू फ़ीचर्स आते हैं उनके लिए आप उतना हेडर ऐड भी कर सकते हैं न्यू इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट भी वही चीज़ है कि जितने आप प्रोसेसिंग फ़ीचर न्यूज के अंदर टेस्ट बेड करेंगे या उनको ऐड करेंगे तो दूसरे हेडर्स को ऐड करते रिमूव करते हुए या स्किप करते हुए आप न्यू न्यू हेडर्स को भी ऐड कर सकते हैं उसके बाद अगर आपसे आई पी वी सिक्स की एडवाटेज एक और पूछ ली जाए तो वो ये होती है कि इट हैज़ नो एड्रेस क्लास कि आई पी वी सिक्स की एड्रेस क्लास नहीं होती और इसके लिए अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ली जाए कि जो आई पी वी सिक्स के अंदर एक एडवांटेज है या के के इसके अंदर एड्रेस क्लासेस नहीं होती उसकी कोई एक एग्जाम्पल दें तो उसमें आप कह सकते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स बाउंड्री कैन फॉलो एनी तो ये एक इसकी एग्जाम्पल है कि प्रीफिक्स और सफिक्स की जो बाउंड्री होती है वह कहीं पर भी फॉल कर सकती है उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स होती हैं एड्रेस की इसी तरह आई पी वी सिक्स के यूज के अंदर कुछ स्पेशल टाइप आती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यू एम सी यानी यूनिकास्ट मल्टी कास्ट और क्लस्टर यूनिकास्ट के अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ एक डिवाइस तक ही रसाई हासिल कर सकते हैं इट इज़ यूज फॉर सिंगल डेस्टिनेशन कंप्यूटर ठीक है सिर्फ एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीकास्ट में आपको मल्टी से ही शो हो रहा है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स की डेस्टिनेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं बट नॉट पॉसिबल एट द सेम साइट ठीक है क्लस्टर में भी यही होता है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स आ जाए तो ये एक ही बात है कि आप यहाँ पे भी मल्टीपल डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और डाटाग्राम को डिलीवर करते हैं किसी एक जगह से दूसरे जगह तक उसके बाद अगर आपको एम आ जाएँ या आ आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि जो आई पी वी सिक्स एड्रेस नोटेशंस होती हैं उसको हम कैसे शो कराते हैं या उन्होंने वो लिख दें कि आपको दो से तीन जो हैं वो आई पी वी सिक्स की नोटेशन लिखें और उनके रिक्वायर्ड नंबर्स लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक तो होता है वन ट्वेंटी एट बिट एड्रेस इस एड्रेस के लिए हमें सिक्सटीन नंबर्स रिक्वायर होते हैं कैसे अगर आप इन नंबर को काउंट कर लें डॉट के साथ तो ये सिक्सटीन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ठीक है तो इसको हम अनवाइल्डली uh, यानी इनको सेपरेट कैसे करते हैं डॉटेड डेसिमल से आप देख सकते हैं कि हर uh, जो है वो एड्रेस के बाद जो है डॉट से हम इसको सेपरेट कर रहे हैं इसी तरह अगर ग्रुप ऑफ सिक्स नंबर की सिक्सटीन नंबर्स की बात कर ली जाए तो उसके लिए हमें कॉलन हेक्सा की ज़रूरत होती है और इन कॉलन हेक्सा को इस्तेमाल करते हुए हम इनको सेपरेट करते हैं सिक्सटीन है तो ऑब्वियसली एट बनेंगे एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है उनका हाफ अब ये एट बन गए एट को हमने किससे सेपरेट किया कॉलन हैग्जा डे से इसी तरह अगर आपसे जीरो कंप्रेशन की बात की ये एम में भी आपको आ सकते हैं या ये आपको फोर मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आई बी वी सिक्स नोटेशन की के एड्रेस okay, शो कराएं उनके रिक्वायर्ड नंबर शो कराएं उनको सेपरेट किससे करते हैं ये शो करें तो जो जीरो कंप्रेशन होता है उसको हम टू कॉलन के साथ सेपरेट करते हैं आप देख सकते हैं एक कॉलन ये और एक कॉलन ये दो कॉलन बन गए तो टू कॉलन के साथ आपने ये फर्स्ट वन लिया और ये लास्ट वन लिया इनको टू कॉलन के साथ सेपरेट करती है इस तरह से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़नी है वो है हमारी कि आई या आई कैम्प क्या होता है तो इसका स्टैंड सबसे पहले आपने यही रखना है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आई फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ठीक है ये आपने याद रखना उसके है उसके बाद आपको अगर एम सी क्यूज आ जाए कि डाटाग्राम कैन बी डैश डाटाग्राम कैन बी ड्रॉप्ड ऑन दी फ्लोर ठीक है यह एम सी क्यूज़ याद रखना है कि डाटाग्राम कैन बी ड्रॉप्ड ऑन दी फ्लोर ठीक है उसके बाद इसकी ये स्टैंड याद रखना है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल उसके बाद के कुछ एरर डिटेक्शन होती हैं ठीक है जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर कुछ एरर्स होती हैं एरर तब तक आपका जो प्रोग्राम है तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता या अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसके अंदर से एरर डिटेक्ट ना की जाए तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए इंटरनेट लेयर के पास बहुत सारी वैरायटी होती है या बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके जरिए वो सैर को डिटेक्ट करता है तो यहाँ पर इंटरनेट लेयर हैज़ डिटेक्ट अ वैरायटी ऑफ एरर्स अगर आपको क्वेश्चन आ जाए आई के अंदर क्या आप एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं तो वो चेकसम होता है टी टी एक्सपायर्स होती हैं ठीक है जी चेकसम होता है कि एरर को ढूंढना उनको रिमूव करना ठीक है चेक एंड बैलेंस उसके बाद टी टी एक्सपायर्स होती हैं उसके बाद नो राउट टू डेस्टिनेशन नेटवर्क देखें जब तक उसके अंदर एरर होगा तब तक वो राउट कैसे लेगा अपनी डेस्टिनेशन तक उसके बाद है जब तक उसके अंदर एरर होगा तो वो डिलीवर भी नहीं होगा कैन नॉट डिलीवर टू डेस्टिनेशन होस्ट ठीक है इस तरह से ये आपने चार पॉइंट याद रखने हैं चेकसम टी टी एल एक्सपायरेशन वर्क और कैन नॉट लीवर टू देशन होस्ट ओके जी उसके बाद कुछ मैसेज प्रोटोकॉल होती हैं ठीक है आईसीएम पी के अंदर ही यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के अंदर ही क्या होती हैं कुछ एरर होती हैं एक का नाम ये आईसीएम पी क्या डिफाइन करता है एरर एंड इंफॉर्मेशनल मैसेज तो एरर मैसेज अलग से है और इंफॉर्मेशनल मैसेज अलग से है जब एरर आता है तो हमें किस तरह का मैसेज आता है सोर्स क्वंच टाइम एक्सीडेड डेस्टिनेशन अनरीचल रीडायरेक्ट या फेगमेंटेशन का यानी कि जब एरर आएगा हमारे प्रोग्राम के अंदर तो हमें या तो कहेगा कि आपका सोर्स जो है वो क्वंच है या वो कहेगा कि आपका टाइम एक्सीड हो चुका है या वो कहेगा कि आपकी जो डेटा था वो डेस्टिनेशन तक पहुँचा ही नहीं है या आपसे कहेगा कि आप प्लीज़ अपने प्रोग्राम को रीडायरेक्ट करें या वो कहेगा कि जो आप डेटा लिख रहे हैं उसको फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में हमें रिक्वायर है इस तरह से हमें भेजें ये पॉइंट्स जो हैं वो हमें एक एरर देगा एरर मैसेज की फॉर्म में हमें मिलेंगे दूसरी जो चीज़ होती है इंफॉर्मेशनल मैसेज जो मैंने आपसे कहा है यानी कि आई यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के अंदर दो होती है ना, एक होती है एरर मैसेज दूसरी होती है इन्फॉर्मेशनल एरर में ये चीज़ें आ जाती हैं जब आपको एरर होगा तो साइड पर नोटिफिकेशन आ जाएगा ठीक है जी क्या आपका टाइम एक्स एक्सीड हो गया है आपकी डेस्टिनेशन तक चीज़ें नहीं पहुँची ई टी सी उसके बाद इंफॉमेसनल मैसेज के अंदर क्या होता है इन्फॉर्मेशनल मैसेज में ये तीन चीज़ें होती हैं एक इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई जैसे आप अपने किसी दोस्त को मैसेज करते हैं वो मैस यानी आपने रिक्वेस्ट की किसी काम की तो उसके लिए वो क्या करता है पहले मैसेज पढ़ता है फिर उसको अंडरस्टैंड करता है कि आया कि वो आपकी हेल्प कर सकता है नहीं फिर वो आपको रिप्लाई करता है इसी तरह इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई फिर एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट रिप्लाई और फिर राउटर डिस्कवरी यानी कि जो आपको एरर आई हैं उनके लिए इंफॉर्मेशनल मैसेज क्या हैं उनका आपने रिप्लाई करना है या आपकी एरर डिटेक्शन डिटेक्शन के लिए उन्होंने रिप्लाई करना है तो उसके लिए ये तीन होती हैं इको रिक्वेस्ट रिप्लाई एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट रिप्लाई और राउटर डिस्कवरी इसी के अंदर मैं थर्टी थ्री लेक्चर को ऐड कर लेती हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ दो से तीन चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं डिस्कस भी नहीं जस्ट डेफिनेशन या एम सी क्यूजिंग है ताकि मुझे अलग से ये ना बनाना पड़े और आपको अलग से सर्च ना करना पड़े सबसे पहले होता है कि आई सी एम पी क्या होता है इसको हम कोई डिफरेंट टूल्स के के लिए को टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपका एम सी क्यूज आ सकता है डैश कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट डिफरेंट टूल्स तो आपने सेलेक्ट करना है आई सी एम पी या आई के ठीक है जी क्या करते हैं हम बहुत सारी डिफरेंट टूल्स को टेस्ट करने के लिए भी हम ये वाली कैटेगरी यूज करते हैं उसके बाद आपने अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आई सी एम पी है उसके अंदर ट्रेस राउट किस तरह से होता है ए से बी होता है या बी से होता है तो इसमें आपने देखना है लिस्ट ऑल दी राउटर्स ऑन पाथ कि जितने भी आपके पास राउटर होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनका पाथ जो होता है ए टू बी होता है इस कॉल द राउट फ्रॉम ए टू बी ठीक है जी ये पाथ होता है आपने याद रखना है उसके बाद क्या होता है इसके अंदर ग्लव्स का एक ये प्रॉब्लम है कि आपसे पेज जो है वो आगे पीछे नहीं होता जी इसके बाद कोई भी चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाली नहीं है लेक्चर नंबर थर्टी फोर आगे प्रिपेयर करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Uh, please like, share, and subscribe my channel. Or keep watching this video.